राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। मेरा भी टूट गया, सब मैं दिखाऊंगा। मैं भी जब भी दिखा दिखाऊंगा। प्रदेश में योगी 2.0 के बनने के बाद ये साफ हो गया था कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा। और अपराधी अगर जानबूझकर अपराध करता है तब तो उसकी शामत समझो। सब कुछ जानने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं, उन्हें इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको भी हम कुछ बताएं, उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। मैं रखता नहीं आती, चलो मेरे साथ। हाँ तो बहन आवाज दिखा दो ना इसका, जब तक मेरे पे दिखाऊंगा। बड़ी बात हो, बस दिखाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा, मीटिंग कर ले, चल मैं दिखाऊंगा। चेहरा नाच का कुछ नहीं, मैं भी सब कुछ चोरी से बन जाऊंगा, बच रहे। तो सुना आपने, वीडियो में ये जो शख्स है वो कह रहा है, अगर मेरी दीवार टूटेगी तो कईयों के घर टूटेंगे। ऐसे बेशरम लोग पहले तो गलती करते हैं, फिर दूसरे को दोषी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस शख्स को बेशरम क्यों कहा, तो जनाब सुनिए, मामला मुजफ्फरनगर के गांव चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर का, जहां के ग्रामीण ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कर रहे एक शख्स के घर पहुंच गए और निर्माण कार्य रोकने को कहा, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। फिर क्या था, दोनों में जमकर बहस हुई। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके मिली भगत की वजह से ये अवैध निर्माण हो रहा है। मेरे गांव में जिहादियों के द्वारा और ग्राम प्रधान और लेखपाल के द्वारा अवैध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर हमारा हिंदू समाज सभी एकत्रित हुए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर हम कह रहे हैं थाने में गए हैं और थाने जाकर हमने कह रहा है उसकी तहरीर वगैरह भी दी है, तो उसमें हमारा कोई भी कह रहा है रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कह रहे हैं वो निर्माण कार्य रुकना चाहिए और जो अवैध कब्जा है वो हटना चाहिए। इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने लेखपाल से पूरे मामले को लेकर बात की तो क्या कुछ कहा लेखपाल ने, आप भी सुनिए। संजीव बोला पप्पन। हाँ बालू, अब तक क्या मामला चल रहा है सिकंदरपुर वाला? कौन से वाला? जो अवैध निर्माण कार्य कराया गया, आप आरोप लगा रहे हैं, आप फिर प्रधान पे वजह में निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। निर्माण तो कल गई रुक रहा है, आठ दिन पहले निर्माण रुकवाया था और जी नकल शायद मेरे हिसाब से गेट वेट खड़े करने की कोशिश कर रहा है। अरे अभी ना हम गए भी वहाँ पे, बंद कर रखा कल से ही, बंद है मामला। चल रहा था, मैं गया था, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, आज भी चल रहा था काम। क्या कहने से मैंने पास में वीडियो पड़ी वहाँ पे आज की। मैं आज सुबह गया था 8 बजे, मनोज भाई सुन लो पहले मेरी बात, लेखपाल साहब। मैं सुबह गया था 8 बजे, प्रधान जी के पास भी गया था। अच्छा। प्रधान जी ने तो कहे थे मेरी नॉलेज में ना, मेरे पटवारी से मेरी मुलाकात हुई ना, पटवारी ने मेरे साथ मीटिंग करी। अच्छा ठीक, पटवारी ने क्या करा क्या नहीं मुझे नहीं पता इस बात का। काम देख रहे से चल रही कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई हो करी जाएगी। हाँ ये तो शो है कि वो बंजर है। हाँ बंजर का है, इसका पुराना निर्माण हो रहा है, बंजर है ये। हाँ बंजर है भाई, ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? जो गांव में विवाद हो, बंजर है तो उसे प्रशासन को लिख दो। बिल्कुल लिखित में चल रहा है मामला, लिखित आप पे आरोप लग रहा है कि 20,000 रुपए ले रखे आपने। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रह रहे हैं, तो पता है जो आदमी जबान का लगाम है नहीं कोई भी। बट लेखपाल साहब मैं ये नहीं कह रहा, मौके पे नहीं बात कही हमने, मान लो कोई कुछ भी कह सकता, जबान का लगाम थोड़ी है। हाँ ये भी आप कह सकते हो, मेरा सब मैं मौके पर गया था, मैंने तो 4-5 बाइट हैं सभी लोगों की, ठीक है। सभी लोग वो कह रहे कि मैं हमने मॉल खरीदा हुआ, तुम को कागज दिखाओ। हाँ वही तो, इसका विस्तारण एसडीएम साहब को तो नॉलेज में है, आपको पता ही है। सबकी नॉलेज में है, यहाँ तक तहसील में सबकी नॉलेज में है। हाँ तहसील तक सबकी नॉलेज में है ना, इसका निस्तारण कराओ जल्दी, ऐसा ना हो कि दोनों समुदाय में वहाँ झगड़ा। जल्द से जल्द होगा, टेंशन ना लो, नियम अनुसार अवश्य कार्रवाई करी जाएगी। सिकंदरपुर गांव का मामला है, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके जो है पक्का निर्माण कराया गया है।
आपके माध्यम से मुझे अभी जानकारी मिली है कि ग्राम सिकंदरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण करा लिया गया है। मैं इसमें टीम बना के तहसीलदार साहब को कहूँगा कि शीघ्र जांच करा ले और यदि दोषी हैं तो उनके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई नियमानुसार जरूर करें। लेखपाल के नॉलेज में पूरा मामला होने के बावजूद कोई एक्शन अभियुक्त पर नहीं लिया गया। वहीं ग्राम प्रधान भी पूरे मामले से पलड़ा झाड़ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दबंग तरीके से कोई शख्स ग्राम समाज की जमीन पर खुलेआम अवैध निर्माण कर रहा है और प्रशासन मौन अवस्था में बैठी है, क्यों?